की हो रही है रुकी में, ये कैसे कांप रहा है बेचारा। अब जो भी लोग हैं यहाँ पे इसमें डालते रहेंगे। तो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज रुटकी का मौसम तो आपको पता ही है, लोगों को पीछा दिख ही रहा होगा, धूप का कहीं ना निशान नहीं है। और मैं जा रहा हूँ बाहर अभी देखने की क्या अपडेट है। ऑटो फीडर जो हमने कल उसमें जो फीड डाली, और एक डॉग भौंक रहे हैं, मतलब कुछ दिन तो भौंकेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, चलो चलो खाओ। अच्छा आपको नहीं खाने दे रहे, लो 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 लो, इधर खाओ। ओए नहीं, फिर सो गाइस हमारा मिशन सक्सेसफुली चल रहा है अभी। और देखना ये बच्चे आपस में भाई भाई, देखना ये इस काली के ही बच्चे हैं दोनों, बट ये अभी ऐसे लड़ रहे हैं ना क्योंकि एक बार में एक ही खा सकता है उसमें, तो जब इसका पेट भर जाएंगे तब अपने आप हट जाएंगे, दो तीन दिन में आदत पड़ जाएगी। बस इनकी माँ अच्छी है कि इनको कुछ कर नहीं रही है, वैसे वैसे माँ भी मतलब भौंकती है वैसे बच्चों पे, तो कुछ कर नहीं रही है। पुरानी जनरेशन है, मतलब चलती आ रही है हमारी गली में, तो अभी ये कंफ्यूज हो रही है थोड़ा कि है क्या चीज़ है, धीरे धीरे इनको समझ आ जाएगा तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखना कैसे चल रहे है एक के ऊपर एक। गाइस मैं तो पापा के साथ अभी पोस्ट ऑफिस कुछ काम से, और अभी मार्केट भी आना है हमें कुछ काम था, इतना ठंडा हो रहा है रुड़की में, लेकिन सब लोग आग सीख के बैठ रहे हैं। गाइस मैं था अभी मार्केट में, और एक कुत्ता देखना है, इतने सर्दी इतनी जोर की हो रही है रुड़की में, ये कैसे कांप रहा है बेचारा। गाइस फाइनली मार्केट के काम हो चुके हैं हमारे, और अभी हम आए थे हार्डवेयर शॉप पे, यहीं से हमने ऑटो फीडर बनाया था, तो अभी पापा टूल किट वगैरह ले रहे हैं, थोड़ा हमें उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी अभी जो ऑटो फीडर वगैरह इंस्टॉल करेंगे हम और चीज़। बाकी यहाँ का मौसम इतना ख़राब है ना भयंकर, अभी तक ऐसा लग रहा है कि रात होने वाली है, और इसमें तो कैमरे में फिर भी लाइट दिख रहा है बट बहुत डार्क है एक्चुअली में। और देख रहे हैं अभी हार्डवेयर के थोड़े टूल्स वगैरह तो चाहिए होंगे, आगे भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं और भी नीड्स हैं, चाहिए रहती है छोटी मोटी, तो हमने बोला ले ही लेते हैं। किसी को अगर रुड़की में ऑटो फीडर लगवाना है तो ये डबल फाटक के बाद हार्डवेयर शॉप है, यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ से आप बना सकते हो। भैया को बता रखा हमने कि कैसे बनाते हैं, तो बाकी मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा, इसको अगर रिव्यूज होंगे तो कमेंट करके पूछ ले सकता है, उसको पर्सनली बता दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं, ये कुछ हमने पैम्पलेट्स बनाए हैं तो इनको लगाने जा रहे हैं, और ये इनके साथ साथ कुछ डोनेशन बॉक्स भी लगाने जा रहे हैं, जहाँ पे हम पुराने कपड़े ब्लैंकेट्स वगैरह कुछ स्पॉट्स हम बताएंगे अभी, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो, वहाँ से फिर हम हर संडे को ज़रूरतमंद लोगों को देने जाएंगे। और फिलहाल यहाँ पे हमने पूरा अपना स्कैनर वगैरह छपवा लिए हैं इसमें, तो आप इस ये जहाँ पे भी मिलेगा आपको वहाँ से आप डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो हमारा, और तो ये सही है चीज़ है, थोड़ा हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और क्योंकि अभी टाइम मिल रहा है हमें, थोड़ा रात भी जल्दी हो जा रही है आजकल, तो जो भी है देखते हैं आप ही बता देंगे आपको। सो गाइस भैया ने हमें बॉक्सेस दे दिए हैं फाइनली, और ये रखने वाले हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं घर, और काफ़ी जगह आपने देखा ही होगा हमने पैम्पलेट लगा दिए हैं, इससे थोड़ा सा लोगों को जानकारी मिलेगी और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगी, अगर वो हमारा वर्क वगैरह देखेंगे तो हो सकता है कि डोनेशन और आए हम पे और हम और हेल्प कर सकें। फिलहाल हमने एक जगह पे बॉक्सेस लगाए हैं आज, वो हमारे क्लाइंटी थे तो उन्होंने हेल्प करी है हमारी बॉक्स लगाने में, तो अशोक नगर में लगाए हैं फिलहाल, और जो रुड़की से है उनके लिए मैं लोकेशन भी बता दूंगा जहाँ पे वो पुराने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, और फिर हर संडे वो डोनेशन के लिए जाया करेंगे, फिर द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स जो भी हमें साथ जुड़ना चाहे वो हमें कर सकते हैं कांटेक्ट। और फिलहाल अभी देखते हैं कल का प्लान है, शायद हम एक और ऑटो फिटर इंस्टॉल करने वाले हैं, लोकेशन अभी डिसाइड करनी है, तो जैसा भी होगा तो वो आपको कल तक पता चल जाएगा। फिलहाल अभी देखते हैं, डिस्कस करेंगे अभी ग्रुप में कि क्या क्या करना है कल। सो गाइस फाइनली करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं ऐसे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और सब लोगों को दिल से धन्यवाद जिन्होंने भी सपोर्ट किया और जो सपोर्ट कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा रेगुलर सपोर्ट डेली हर मंथ करते रहना, तो इसलिए हमें कॉन्स्टेंट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें
डेली फीड करना है इन बेजुबानों को, और हम लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। डॉग फीडर अपने एरिया में इंस्टॉल करना है और आप उसमें हेल्प कर सकते हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और माई टीम मेट्स। और हमने एक नीडी पीपल्स के लिए डोनेशन ड्राइव भी स्टार्ट करी है, जिसमें हम उनके लिए क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स, चाहे आपके पुराने हो, कुछ आप नए डोनेट करना चाहते हो, कंबल वगैरह कुछ भी ना चाहते हो, जूते चप्पल, तो आप उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी हर वीक हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और हर संडे को डोनेशन ड्राइव स्टार्ट करेंगे, उसमें लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो ये हमने अभी तक प्लान किया है, बाकी और भी बहुत सारे प्लान हैं जो फ्यूचर में धीरे धीरे हम करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे पास डोनेशन अच्छी आती रहेगी और आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा। तो मिलते हैं कल आपसे ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।